क्या नया देखने मिलने वाला है लोगों को जाना चाहेंगे? आई थिंक पूरा का पूरा डिफरेंट है, क्योंकि इससे पहले जो म्यूजिक वीडियो आया था हमने लगा तुमसे, और वो एकदम डिफरेंट लाइफ थी, उसमें डिफरेंट जॉनर था। एंड ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था ये म्यूजिक वीडियो, बिकॉज मेरे पास टाइम भी नहीं था कि अपने कैरेक्टर में कुछ भी कर पाऊँ, लुक में कुछ चेंजेस कर पाऊँ। बट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ये मेरे पिछले वाले म्यूजिक वीडियो से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भर भर के इमोशंस हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, एंड बहुत अच्छी चीज़ है। आप क्या कहना चाहेंगे? वेल आई थिंक दर्द तेरे नाम से ही समझ में आता है कि दर्द तेरे साथ मेरे, अगर जिसने देखा है सॉन्ग उसको पता है कि कितना इमोशनल सॉन्ग है, एंड यू ट्राई आर लेवल बेस्ट टू गिव आउट द इमोशंस, एंड जितना रिस्पॉन्स मिला है उसके हिसाब से लग रहा है कि येस वी हिट द राइट कॉर्ड्स। आपसे जानना चाहेंगे दोनों, मतलब कास्ट किया है आपने, तो मतलब ये आइडिया कैसे आया? देखिए कास्ट तो मैंने नहीं किया, ये आइडिया महेश भैया का है, ये जो इतने अच्छे एक्टर हैं लोग, के जब हमने ये कॉम्पोजिशन किया था, वो दीपक शर्मा जी उसके कंपोजर है, तो जब ये सॉन्ग मैंने सुना था तो मेरा बड़े तमन्ना थी कि ये सॉन्ग मैं गाऊँ, और फिर उसको मैंने गाया एंड माशाल्लाह बहुत अच्छा सॉन्ग बना। फिर उसके बाद महेश भैया ने कहा कि नहीं इसमें ना ये दोनों ही जाते हैं, क्योंकि इनका जो भी रिसेंटली हमने चुप देखा था उसमें इनकी केमिस्ट्री इतनी मतलब इतनी अच्छी लगी थी, तो फिर उनका ही आइडिया था कि इनको कास्ट किया जाए, और टच वुड वो चीज़ जो उनका आइडिया था बहुत अच्छा है, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा इनकी केमिस्ट्री, और इनके जो फैंस हैं वो चाहते हैं इनको देखना साथ में। सो लोग ने भी हमें बड़ा परेशान करके रखा है, सीट रेट, तो फिर हमने सोचा कि माशाल्लाह ये सॉन्ग 5 मिनट का है, लेकिन ऐसा देखने में आओ तो पता नहीं चलता 5 मिनट। एक बार देखिए, मैं एक और बार देखें, और गाना लगता है कि सुनते रहे दिन भर, इतना इतना प्यारा बना है। एंड एवरी टाइम आई लिसन टू द सॉन्ग एवरी टाइम आई क्राई, सो या। हर प्रोजेक्ट के अंत में कुछ मेमोरीज जुड़ जाती है, आपकी कौन सी मेमोरी जुड़ चुकी है, कितने फन मोमेंट्स आप